इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी YouTube बैनर कैसे बनाते हैं। अगर आप YouTube चैनल का बैनर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कैनवा। यहाँ से मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और लॉगिन भी कर लिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हमें बनाना है YouTube बैनर। यहाँ पर है YouTube बैनर के ऑप्शंस पर हम जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे YouTube बैनर के फ्रेम यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेती हूँ और ये देखिए आपके सामने कितने सारे YouTube बैनर के फ्रेम यहाँ पर आ जाएंगे। आप जिस भी टाइप में YouTube बैनर बनाना चाहते हैं यहाँ से एक फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैंने ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अब हमें इसमें एडिटिंग करनी है। यहाँ पर हम इसका ये जो फ़ोटो है ये भी चेंज कर सकते हैं और ये जो बैनर का पीछे का कवर है ये भी हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड का कलर भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से यही रहने देती हूँ और यहाँ पर हम अब आ जाएंगे इस पर। हम ये जो फ़ोटो लगा है हम यहाँ पर अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना फ़ोटो तो हम यहाँ पर फ़ोटो वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बीच में हम ये जो गोल वाले राउंड शेप है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस पर जाने के बाद हम यहाँ से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हम ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम अपने बैनर पर लगाना चाहते हैं। आप इस तरीके से अपने बैनर पर फ़ोटो लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आ चुका है। अब हमें इसे करना है क्रॉप। नीचे की साइड में लिखा है क्रॉप, यहाँ पर हम क्रॉप पर जाएंगे और यहाँ से हम इसे क्रॉप कर लेंगे, यानी जितना फ़ोटो हमें चाहिए उतना हम इसे सेव में कर लेंगे। यहाँ से हमने इसे क्रॉप कर लिया है। अब हम नेटेज पर जाएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो नीचे लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। आपके चैनल का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ये नाम लिख देती हूँ, गेमिंग विद कार्स। यहाँ पर मैं ये नाम लिख देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने नाम लिख दिया है। अब हम इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं ये वाला कलर रेड वाला मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इनकी फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेशन पर जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हैं स्पेसिंग, यहाँ पर स्पेसिंग लिखा है। यहाँ से हम स्पेसिंग भी कर सकते हैं। वर्ड्स के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए यहाँ से आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ से आप नोटिस भी कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी आपको करना है यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमने इतना काम कर दिया है। अब हम इनके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी स्टाइल्स जो होते हैं टेक्स्ट के वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टाइल से चेंज कर दिया और फॉन्ट्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी आप फॉन्ट्स किस सेफ में चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ये सेफ जो है चेंज कर दिया है। इस तरीके से मैं इस सेफ में चाहती हूँ या इस सेफ में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाली सेफ जो है सिलेक्ट कर ली है। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो सेफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से स्क्रीन से आप स्क्रॉल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट्स जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये नीचे वाला वर्ड्स जो है हम इसे भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप इसे डिलीट कर दीजिए या आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगी और एडिट पर आ जाएंगे। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइक
शेयर। यहाँ पर ये हमारा जो है बैनर पर शो होएगा इस तरीके से, लाइक शेयर इस तरीके से मैंने इसे रहने दिया है। अब ये जो कलर है बैकग्राउंड का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर्स आप कैसा करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ से मैं वाइट रहने देती हूँ, मुझे वाइट अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैं वाइट रहने देती हूँ। इस तरीके से ये सेफ हो चुका है। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड में है जो ये फ़ोटो, इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये गेम वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये बैकग्राउंड में जो है फ़ोटो हमारा लग जाएगा, यानी जिस भी टाइप का हम फ़ोटो लगाना चाहते हैं इस तरीके से ये हमारा सेफ लग चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो है ये बैनर इस तरीके से शो हो जाएगा। और हम ये जो बैकग्राउंड की फ़ोटो है हम इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ दाएं बाएं, जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ, जिस भी सेफ में मैं यहाँ पर करना, इस तरीके से मैं इसे कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर नीचे लिखा है डन, आपको यहाँ पर इसे डन कर देना है जिस भी तरीके से आप चाहते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बैनर जो है ये लग रहा है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, जिससे कि आपका बैनर बहुत ही अच्छा शो होएगा। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर गैलरी है और एलिमेंट्स में जाएंगे हम। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में हम लिख देते हैं यानी गेमिंग, यानी गेम से रिलेटेड हम बैनर बना रहे हैं, तो यहाँ से हम कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स पर जाएंगे और यहाँ से ये देखिए कितनी सारी पोस्ट है जो है गेम से रिलेटेड यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला, जिससे कि हमारा बैनर जो है अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसे स्क्रीन को स्क्रॉल करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और नेटस भी कर सकते हैं, यानी घुमा फिरा सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ से मैंने एडजस्ट कर दिया, फिर से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं और यहाँ से हम एलिमेंट्स में और यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल्स यूट्यूब बैनर आपको बना लेना है। यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमारा जो है यूट्यूब बैनर बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यूट्यूब बैनर बनकर रेडी है। सो इसे अब हमें सेव करना है। ये नीचे की ओर जो आइकन दिख रहा है डाउनलोड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपका जो है बैनर गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ चाहे आप इसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है। यहाँ से आप चाहे तो इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से अब हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद मैं आपको गैलरी में शो करके दिखा देती हूँ ये किस तरीके से हमारा गैलरी में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है ये बैनर यूट्यूब बैनर गैलरी में आ चुका है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।